मैं भी पहले बहुत प्यारा होता था, लड़कियों ने दिल तोड़ा, फिर मैं थोड़ा सा। इतनी लड़कियों ने दिल तोड़ा? स्कूल पे साथ पढ़ती थी, उसने तोड़ा है, दो मोहल्ले की। उसके अब्बे ने मुझे मारा, उसको भी पड़ी। कहाँ से मिली? इधर से मिली थी, लिंक रोड। चूड़ियां भी लेती, शॉपिंग भी करा दी, और अभी ईद की शॉपिंग पेंडिंग पे है। मैंने उससे शादी करवानी। सानू फेर मार दो, जहर की गोलियां दे दे हमें तो यार। ये लड़कियां जैसी भी है, आपको तो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। मैं भी कोई फंस जाती है ना, फिर आपने हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे मस्त क्लिक करें। इकबाल के एक और खूबसूरत से शाहीन मौजूद है जी हमारे साथ, इनसे गपशप लगाते हैं, बाकी सारे पीछे हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी? हुसैन अली। हुसैन क्या करते हैं? मैं बाहर चूड़ियों का काम। क्या काम करते हैं? चूड़ियों का काम करते हैं। आजकल वो हरी हरी चूड़ियाँ बेच रहे हैं। हाँ जी सही है। लड़कियाँ ही आती होंगी कि लड़के भी आते हैं अपने दोस्तों को लेके? दोस्तों को भी लेके आते हैं, लड़कियाँ भी अकेली आती हैं। जब बाकी जो है लड़के जब आते हैं अपने दोस्तों को लेके, अपनी मंगेतरों को लेके, तो आप लोग चूड़ियाँ महंगी करके बताते हैं उनको या सस्ती? जहरी बात है, इतनी महंगाई है, महंगी करके बतानी। महंगी करके बताएंगे। और आंटियाँ जब आती हैं वो बहस करती हैं पैसों पे या लड़कियाँ? आंटियाँ बहुत करती हैं। क्या कहती हैं? बहस करती। क्या कहती हैं? एक दर्जन चूड़ी कितने की? तो हम 450 बताते हैं, वो 300 पे आ जाती हैं। डायरेक्ट 300। फिर देते हैं कितने की? 400 की फाइनल। 400 की देते हो? अच्छा सही हो गया। मुझे ये बताएं कि करते क्या हैं आप इसके अलावा? इसके अलावा मैं गारमेंट्स का काम। गारमेंट्स का काम करते हैं। आपकी खूबसूरती का राज क्या है? बस बड़ा राज। क्या बताएं ना, वो राज आज रिवील करते हैं। मैं भी पहले बहुत प्यारा होता था, लड़कियों ने दिल तोड़ा, फिर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट ही। लड़कियों ने दिल तोड़ा? हाँ जी। किससे, कितनी लड़कियों ने दिल तोड़ा? एक स्कूल पे साथ पढ़ती थी, उसने तोड़ा है, दो मोहल्ले की थी। दो मोहल्लेदार थी और एक स्कूल फेलो थी जी। तुम यानी कि ये काम स्कूल से ही कर रहे हो? हाँ जी। यानी कि स्कूल से ही कर रहे हो ये? जी सही हो गया। मुझे ये बताओ कि स्कूल में लोग पढ़ने जाते हैं बच्चे, तुम इस काम में डल गए थे? हाँ जी। वो स्कूल में कोई नहीं पढ़ता, सिर्फ इसी काम पे रहते हैं। इसी काम पे रहते हैं? हम तो स्कूल में पढ़ते थे। वो आप पढ़ते थे ना? आज के ज़माने में नहीं पढ़ते। आज के ज़माने में कोई भी नहीं पढ़ता, सिर्फ लड़कियों के पीछे के दोस्ती की बस, उससे बस इकरार किया तो दोस्ती होगी। कैसे इकरार किया, मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। उससे पहले बात की, फिर उसको किताब के लिख के कुछ दिया, फिर हमारी दोस्ती होगी। फिर एक दिन उसकी भाई ने देख लिया, उसने हमें फिर भाई ने देखा तो फिर क्या हुआ, थोड़ा उधर देख लो। फिर वो अपने घर, मैं अपने घर, उसने स्कूल ही छोड़ दिया। फिर क्या नाम था उसका? नाम था आमना। आमना, आमना ने स्कूल छोड़ दिया। सही हो गया। उसके बाद सेकंड लव स्टोरी कब? सेकंड लव स्टोरी मोहल्ले में। मोहल्ले में कब, किस एज में? ए मैं 8 साल का था। 8 साल के थे। फिर क्या हुआ? फिर उसके अब्बे ने मुझे मारा, उसको भी पड़ी, दोनों को पड़ी। फिर तीसरी लव स्टोरी कब? अब वो अब तक चल रही है। अभी तक चल रही है। वो कहाँ से मिली, कैसे मिली? वो मुझे 13 साल की उम्र में मिली थी। 13 साल की उम्र में मिली, कहाँ से मिली? इधर से मिली थी, लिंक रोड से। लिंक रोड से? लिंक रोड पे दोस्त मिल जाती हैं? हाँ जी बहुत। तो उसका भी रंग तुम्हारे जैसा या प्यारी? वो बहुत प्यारी है। बहुत प्यारी है। तो तुम्हें कैसे मिल गई? मुझे मिल गई बस। क्या कहा था उसको? उसको नंबर दिया था। नंबर दिया था तो उसे कॉल कर लिया। तुमने उसको क्या क्या गिफ्ट दिया अभी तक? अभी तक उसको चूड़ियाँ दी हैं, एक फ्रॉक लेके दी है। अभी ईद पे भी उसको शॉपिंग करानी, चांद रात वाले। ऐसे लड़के हमें तो नहीं मिलते। चूड़ियाँ भी ले दी, शॉपिंग भी करा दी, और अभी ईद की शॉपिंग पेंडिंग पे है। मैंने उससे शादी करवानी है बस। सारे रो रहे होंगे तुम्हारा नसीब देख के। इन्हों ने नसीब बड़े भैड़े हैं। आ रहा है ना, मुझे बहुत रोना आ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ सानू फेर मार दो, जहर की गोलियां दे दे हमें तो यार। ये देखो भाई, देख लो तुमसे कितने लोग जल रहे हैं इस टाइम। बस यार एक सेल्फी हो जाए फिर भाई के साथ। नहीं रहने दो आप। इम्प्रेस कैसे करते हो? तुम्हारे में क्या ऐसी खास बात है कि लड़कियां तुम पे लट्टू हो जाती हैं? मैंने ये लड़कों को भी बहुत नंबर लेके दिए लड़कियों को, यमाना मॉल से या ऊपर तीसरे फ्लोर पे मैंने बहुत नंबर लेके दिए। किसको नंबर लेके? लड़कों को। ये अच्छी आदत है बताओ जरा। अच्छी आदत नहीं, वो कहते थे तो लायद ले आ देता था। ये तो बहुत बहुत गलत बात है। गलत बात क्या, वो जो लड़की है ऐसी है तो उनको नंबर देना ही है।
लड़कियां जैसी भी हैं, आपको तो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए ना। मैं ना भी कोई फस जाती है ना, फिर मैं ना भी कोई फस जाती फिर ਤਾਰਾ ਹੈ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਕਾ ਸਾੜ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮਾ ਪਾ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਕਤੋਂ ਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਅਗਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੱਕ ਪੇ ਦਿਨ ਕੇ ਵਕਤ ਪੇ ਆਤੇ ਹੈ ਦਿਨ ਕੇ ਵਕਤ ਆਪ ਜਿੱਤ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਕੇ ਪਾਸ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰੀ ਬਾਤ ਹੀ ਹੈ ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕੋਈ कुछ सुनाओगे हमें नहीं मुझे कुछ आता ही नहीं शायरी कोई गाना डायलॉग बताओ जिससे तुम लड़की तुम्हारे से सेट हो जाए बस वो एक ही डायलॉग है नंबर अब तो पूछेगा नंबर दो मैं तो तुम्हें कभी रابطہ नहीं करूंगी कोई बात नहीं जिसको दिया वो तो रابطہ कर रही है ना उन लड़कियों को जरा लेके आना अगली दफा हमसे मिलवाना ऐसी हरकतें छोड़ दो बेटा पहले कुछ बन जाओ बन गए अब बन गए जहाज ही बने हुए अभी जहाज ही बन गए ये क्या हुआ है ये एक्सीडेंट हुआ कब एक्सीडेंट हुआ ये इतवार वाले दिन कह रहा कुत्ते ने काट लिया कैसे एक्सीडेंट हुआ किस चीज के साथ जाके हिट हुए हो गाड़ी के साथ गाड़ी के साथ क्या कर रहे थे बाइक चला रहा था मैं खोता रेडी थोड़ी चला रहा यो वाली चला रहे हो बाइक चला रहे ये यूटल मैं ऐसे जा रहा था उसने पीछे से मार दी उसी की गलती होगी ये हमारे सारे बच्चे ऐसे ही कहते हैं अगले की गलती है हमारी कोई गलती तो जब गलती उसकी है तो उसको ही कहना बेटा आप भी बहुत सी गलतियां करे सुधर कोई बात नहीं अच्छा लगा गपशप लगा के ये ले मैं आपके लिए गिफ्ट लाया ये ले रंग चेक करना रंगली बड़ी अच्छा आपके हाथों पे सूट करेगी मैं इसलिए लाया ये भी किसी किसी हाथों पे सूट करती पहली शॉपिंग ईद का पहला गिफ्ट किसी ने दिया मेहंदी चले यार थैंक यू किसी लड़की ने कोशिश नहीं की आप लोगों के साथ दोस्ती करने बहुत कोशिश करते हैं क्यों नहीं करेगी क्यों मुझे मैं क्या कमी है जो लड़की कोशिश नहीं करेगी क्यों ने कोशिश की तो आपका क्या रिएक्शन स्ट्रेटली नो सख्त लंदन अच्छा आपने ये कह रहे हैं कि आप सबसे ज्यादा शॉपिंग लंदन से करके आके कहते हैं कि लंदन से हाँ बिल्कुल मैं लंदन में एक्सपर्ट हूँ ना अब ये देखें मैंने इसके लिए कोट लिया हुआ है 150 का ये कोट लिया हुआ है इसके शर्ट को देख के चेक करें ये 70 का ये पड़ा हुआ है और ये पैंट तकरीबन कितने का पड़ा 250 का पड़ा था ना बस ये मैं आप इसके आउटफिट चेक करें लंदन की कितनी प्यारी आउटफिट है इसकी और ये लंदन से उठा कर लाए इसका भी बताओ ना ये तकरीबन इसकी प्राइस मुझे लगी थी 500 की प्राइस लगी थी फिर 50 पे वो आ गए इसको पूरा पूरा उठा के ले आओ अच्छा 50 50 50 हां 50 50 तो भाई कैसे डील करते हैं आप लोग पठान हमें चाहे तो हमें तो कहते हैं 5000 इन साहब की वालिद की दुकान है लंदन में तो इसलिए इनको सस्ती चीजें मिल जाती है हां ना सही भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हो इसका जो वालिद है वो मेरे वालिद के साथ काम करता है गा के उनके मतलब हां